आप देख रहे हैं गुमटी चर्च टीवी। वही यहाँ आ जाए आ जाए जी। आपका नाम और आप किधर से आए? जी मेरा नाम लियाकत है और मैं सलीमी चौक से आया हूँ। तो मेरी गवाही ये है कि खुदा ने मेरी जिंदगी में एक बहुत सा मौजा किया, एक जादूगर से मुझे निजात दिलाई है। और उससे पहले कि मैं चाहता था कि मेरे पास कुछ ज्यादा रुपये पैसे हों कि मैं हार मिठाई लेके जाऊं पादरी साहब के पास, तो ये वसाइल नहीं थे मेरे पास। और मैं सो गया, मैं कहा यार जब मेरे पास पैसे होंगे तब मैं आऊंगा। तब आप मेरी ख्वाब में आए और आपने मुझे कहा कि आपने कहा तेरे घर से सब लानते सब तस्वीरें खुदा यसु के जलाली नाम से जाती रहे। आपने जादूगर पर फतह पाई, खुदा का शुक्र जी। आप आ जाए। आपका नाम और आपके दस्य है? मेरा नाम एली जोसेफ है और मैं बाईपास से आया हूँ। अच्छा। और मेरी गवाही ये है कि पिछले 3 महीने से बहुत से हमारे घर में ना फाइनेंशियली तौर पे और बड़ी मुसीबतें थी और मैं जॉब की बड़ी तलाश में था 3 महीने से। तो पिछले 3 महीने में मैंने चर्च आना रेगुलर शुरू कर दिया और दुआ भी की, रोजे भी रखे और पास्टर जिशान से भी दुआ कही। और जॉब नहीं बल्कि मिली, जॉब भी मिली मुझे, साथ उन्होंने एज अ सीनियर पोस्ट की जॉब मिल गई और ये भी कह दिया कि 6 महीने। खुदा ने आपको नौकरी भी दुआओं के वसीले से बहाल भी कर दिया, खुदा का शुक्र जी। आप आ जाए, आप आ जाए जी। आप किधर से आए हैं, क्या नाम है आपका? इब्ने मरीम सुनने से। अच्छा जी, क्या गवाही है? हमारा पोता खुदा ने दिया था, तो वो खुदा के फजल से काफी, मतलब पहले तो मुश्किल सी ऑक्सीजन, डॉक्टरों ने बोला था कि सिलेंडर खरीदना पड़ेगा आपको, सिलेंडर भी खरीद लिया, लेकिन वो काफी मुश्किल से, यानी आपकी दुआओं से मुझे बच्चे ने सेहत पा ली है, खुदा का शुक्र। वो पिछले साल मैंने आपके साथ मिलकर रोजा रखा था, तो इधर मेरे ना घुटने नहीं टेक सकता था, कमर में मसला था होरों में, तो इधर मैंने काफी देर मतलब रोजे के साथ जो इधर दुआ की, इधर घुटने टेके। अब घुटने हो भी सकते हैं, कमर की दर्द भी ठीक हुई, खुदा का शुक्र हो जी। कोई गवाही आपकी? आप आ जाए। आपका नाम और आपके दस्य है? मुंह सीधा। इस्लामिया कॉलेज से आई हूँ, मेरा नाम शाजिया है। और 2023 में मदर डे पे आपने दुआ की थी जो बे औलाद जोड़े थे, तो मैंने भी अपनी भाभी के लिए दरख्वास्त रखी थी और यकम जनवरी को खुदा ने उनको बेटा दिया है। कितने देर के बाद? 7 साल के बाद। 7 साल के बाद खुदा ने उनको बेटा, मदर डे पे दुआ की गई थी कि जिन माओ के पास बच्चा नहीं है खुदा उनकी जिंदगी में कोई माँ कहने वाला दे, और 7 साल के बाद खुदा ने उसकी गोद भर दी और फिर उसे बेटा दिया जी। अब किधर से आए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुबाब है और मैं क्रिश्चियन टाउन से आई हूँ। 1.5 साल हो गए थे हमारी शादी को, तो हमारे पास ब्लेसिंग नहीं थी, तो मैं इधर आती रही, दुआ करवाती रही, तो खुदा ने बेटे जैसी बरकत दी। 1.5 साल शादी के बाद तक औलाद की खुदा ने बरकत नहीं दी थी, यहाँ आई हम सब ने दुआ की और खुदा ने इस बेटी को बेटा दिया। ऐसी है जी, क्या नाम है इसका? हैजी। खुदा इसको बरकत दे। और भी आ रहे हैं गवाही के लिए, दुआ कराने फिर बैठे लोग थे। खुदा यसु के बाबरकत नाम है आप सबको सलाम। मेरा नाम अफराब हूँ। मेरी गवाही इस तरह, मैं खुदा से दुआ करता, खुदा मुझे पाकरू का मजा दे, और मैं खुदा के खादमों से भी दुआ करवाता था, और मैं खुदा का शुक्र अदा करता जितना मैं मांगता था, खुदा ने उससे ज्यादा मुझे दिया है। खुदा का शुक्र, खुदा ने बहुत बरकत दिया। और गवाही है, इधर आ। पहले ये जादूगरों के पास जाता था और अब ये खुदावंद के पास आ गया। सबसे बड़ी गवाही है, पहले ये तवीज गंडवाल के पास जाता था, जादूगरों के पीछे फिरता था, अब ये खुदावंद के पीछे आ गया, खुदा का शुक्र जी। आपका नाम और आपके दस्य है? मेरा नाम इरम है। मंसूराबाद से। क्या गवाही लेकर? मेरी गवाही है कि मेरे पाँव की हड्डी टूट गई, तो सब लोगों ने कहा है कि ऑपरेशन होगा, वो प्लास्टर लगेगा, तो मैंने बोला नहीं, मैंने प्लास्टर नहीं लगा, मैंने ऐसे ही दुआ करके ठीक करनी, तो मेरी ठीक हुई। एक माँ आप ही जुड़ गई है, खुदा का शुक्र। खुदा दुआ की गई, इस बेटी की हड्डी टूट गई थी पाँव को, फिर ईमान के साथ यहाँ पर आई और हम सब ने दुआ की और उसके पाँव की हड्डी जुड़ गई है,
कह रही थी मैंने प्लस्टर नहीं कराना, आप ही जोड़ गए, कोई नया जोड़ा है तो वो भी आ जाए। आप आ जाए जी। आपका नाम? मोसीदा क्रिश्चियन टाउन से। अच्छा, सोनिया क्रिश्चियन टाउन से आई। मेरे बेटे के ना पथरी थी, 14 साल का था। अच्छा। तो आप वो हो गया 15 साल का। हाँ। तो वो डॉक्टर कह रहे थे कि उसके ना लबलब में पथरी है, ऑपरेशन होगा। अच्छा। खुदा ने ऐसे ही ठीक कर दिया। बेटे के पथरियां थी और डॉक्टर कह रहे थे ऑपरेशन होगा, फिर यहाँ लेकर आई, हम सब ने दुआ की और पथरियां गायब हो गई। ऐसे जी, क्या नाम है बेटे का? स्मित। स्मित। स्मिथ। स्मिथ के बदन से पथरियां गायब हो गई हैं। खुदा का शुक्र है। चलो जी, गॉड ब्लेस यू जी। आप आ जाए। अच्छा अच्छा जी, आप आ जाए। आपका नाम? सलाम जी। सिद्ध मुसिद। हाँ, क्या नाम है आपका? उज्मा। उज्मा किधर से आई है? मलकपुर से। क्या गवाही लेकर आई? भाई साहब, मैं 1 साल से बीमार थी और मैं जिस दिन आपने केक कट किया था 3 तारीख को, मैं काफी सालों के बाद इधर आई। डॉक्टर ने मेरे पेट में पानी बताया था और गुर्दों का मसला था। इधर आके दुआ करवाई है और फिर मैंने 10 दिन के बाद टेस्ट करवाया और यीशु के फतल से मैं बिल्कुल अब ठीक। पेट में पानी था और गुर्दों ने काम छोड़ दिया था। पेट में पानी था और गुर्दों ने काम छोड़ दिया था। फिर इधर आई, हम सब ने दुआ की और इसके बदन से पानी भी जाता था और गुर्दों ने भी काम करना शुरू कर दिया। ऐसी है जी। हाँ जी। उज्मा। उज्मा, मैं आपको बरकत देता हूँ। खुदा उस बेटी को बरकत देता हूँ। बाकी मादा कमजोरी छोड़ दे। यीशु के नाम छोड़ दे। यीशु के नाम छोड़ दे। इसके बदन यीशु के नाम से छोड़ दे। इसके बदन यीशु के नाम निकल जाए। इसकी जिंदगी से यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु मसीह नासरी छोड़ से छोड़ इसे निकल इसके बदन से यीशु नासरी के नाम से। सारी लानतें जाती रहे जी। आप आ जाए। आपका नाम और किधर से आए? एहतशाम सागर। आपको सलाम। चक नंबर 424 से सलाम। अच्छा। जी, पिछले साल आए थे तो खुदा ने हमें बेटी अच्छी नेमत से नवाजा है, तो मैं दोबारा साहब गवाही देने आया हूँ। अच्छा, पिछले साल आए थे और हम सब ने दुआ की और खुदा ने इसको बेटी दी है, जिसकी साल बाद ये शुक्रगुजारी करने के लिए आए। ऐसे हो जी। 424 से। हाँ जी, आप आ जाए। आपका नाम और आप किधर से आए? सलाम। मुझे जरा सीधा। हाँ जी, मेरा नाम मगदलीन है। हाँ जी। ते मेरे पैर ते जख्म से शुगर दा, ते हुन ठीक हो गया वा, दुआ करांदी रही किन्ने दिन, ते साल हो गया सी ठीक नहीं सी होण रहा, ते हुन ठीक है। शुगर का जख्म था पांव पर, मुझे याद है, हम इसके लिए दुआ करते रहे और वो जख्म ठीक हो गया। साल से वो जख्म था लेकिन खुदा ने इसको तंदुरुस्त दी है। खुदा बरकत दे जी। और को लेके हम आप देख रहे हैं गुरुजी चर्च टीवी।